ये बात तो आप और हम सभी जानते हैं कि वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन भारतीय घरेलू सरजमी पर बीसीसीआई करने वाली है, क्योंकि बहुत बड़ा वर्ल्ड कप है भारत के लिए। अपने घरेलू सरजमी पर अगर नहीं जीते तो इससे बुरी बात टीम इंडिया के लिए कोई नहीं होगी। इसलिए टीम इंडिया ने पहले से ही रोड मैप तैयार कर लिया है और ये भी तय कर दिया है कि कौन से 15 खिलाड़ी भारत की वर्ल्ड कप 2023 के स्क्वाड में नजर आने वाले हैं। और खास तौर पे साफ तो तब हो गया जब न्यूजीलैंड बांग्लादेश के खिलाफ टीम इंडिया ने सीरीज खेली और अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलने जा रही है। हम आपको बता दें कि भारत की वर्ल्ड कप 2023 के लिए 15 सदस्यीय स्क्वाड क्या रहेगी, किन खिलाड़ियों को मौका मिलेगा, कौन से खिलाड़ी होंगे बाहर, इसकी तस्वीर साफ है। आपको बताते हैं वर्ल्ड कप 2023 का भारत का स्क्वाड इस एक खास रिपोर्ट में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपकी एक छोटी सी राय जानना चाहते हैं। आपको क्या लगता है वर्ल्ड कप 2023 में टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन साबित होगा? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर बताइएगा। तो जी हां, वर्ल्ड कप 2023 को लेकर काउंटडाउन शुरू हो चुका है। फिलहाल टीम इंडिया वर्ल्ड कप 2023 के लिए अपनी स्क्वाड लगभग तय कर चुका है और खुद कप्तान और बीसीसीआई ने इसका ऐलान किया है। हम आपको बता दें कि 15 खिलाड़ी कौन से होंगे जो वर्ल्ड कप 2023 में टीम इंडिया का हिस्सा बनेंगे, इसकी तस्वीर लगभग साफ है, क्योंकि बीसीसीआई ने रोड मैप तैयार कर लिया और कहा कि इन्हीं 15 खिलाड़ियों के इर्द गिर्द ही हमारी टीम तैयार रहने वाली है। वर्ल्ड कप 2023 बहुत लिहाज से टीम इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा और ये भी साफ है कि वर्ल्ड कप से पहले अब मैच कुछ ही वनडे मुकाबले खेलेगी टीम इंडिया और उससे कोई बड़े बदलाव होंगे नहीं। इसीलिए साफ है कौन से 15 खिलाड़ी, खुद बीसीसीआई ने किया साफ। चलिए जानते हैं इसे खास रिपोर्ट में। सबसे पहले बात करते हैं ओपनर्स की, तो नाम रोहित शर्मा का जाएगा बतौर कप्तान, इनका नाम सबसे आगे रहेगा और ओपनर हैं इसीलिए तो सबसे आगे हैं। बतौर ओपनर इनकी जगह प्लेइंग 11 में भी पक्की है। रोहित शर्मा को अपने बल्ले से कमाल करना होगा। वनडे में सबसे ज्यादा दोहरा शतक लगाने वाले इस खिलाड़ी को एक बार फिर अपनी पुरानी फॉर्म और लय को लौटाकर टीम इंडिया के लिए अच्छी शुरुआत करने का जिम्मा उठाना होगा। रोहित शर्मा क्या कर सकते हैं बतौर बल्लेबाज, ये बात हम आपको बताने की जरूरत तो नहीं रखते हैं, लेकिन बतौर कप्तान भी इनके ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर रहेगा। लेकिन इनके साथ में ओपनर्स में नाम शुभमन गिल का भी दिया गया है। शुभमन गिल एक बहुत ही कमाल के खिलाड़ी है, हाल ही में वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन चुके हैं। हाल ही में शुभमन गिल ने T20 में भी शतक लगाया है। बहुत ही कमाल का प्रदर्शन कर रहे हैं, टीम इंडिया का एक नया सितारा उभरता हुआ खिलाड़ी शुभमन गिल माना जा रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि शुभमन गिल वनडे फॉर्मेट में अब लगातार अच्छी बल्लेबाजी कर वर्ल्ड कप तक अपनी जगह पुख्ता कर वर्ल्ड कप 2023 में टीम इंडिया के लिए अच्छा प्रदर्शन करे, और जो कि करेंगे इसमें कोई डाउट नहीं है। इसलिए हम मानते हैं शुभमन गिल टीम इंडिया की स्क्वाड का सबसे बड़ा और अभिन्न अंग बन चुके हैं। ओपनर्स में नाम तो ईशान किशन का भी दिया गया है। ईशान किशन जिन्होंने हाल ही में वनडे में दोहरा शतक लगाया था वो शुभमन गिल से पहले का था और लगा कि ओपनिंग में प्लेइंग 11 में जगह पक्की है, लेकिन उसके बाद शुभमन गिल ने अच्छी बल्लेबाजी करी तो ईशान किशन का नाम थोड़ा हल्का पड़ गया। लेकिन ईशान किशन का वर्ल्ड कप की स्क्वाड में नाम इसलिए भी पक्का है क्योंकि आपको एक बैकअप ओपनर की जरूरत होती है। ईशान किशन जरूरत पड़ने पर विकेट कीपिंग के साथ साथ बल्लेबाजी तो करते ही हैं, लेकिन फिनिशिंग की भूमिका भी निभा सकते हैं। ओपनर्स में ये तीन नाम तय हैं, रोहित शर्मा, शुभमन गिल और ईशान किशन टीम इंडिया की वर्ल्ड कप की स्क्वाड में, इसमें कोई बदलाव की गुंजाइश तो नहीं है। अब चलिए बात करते हैं मिडिल ऑर्डर की। सबसे पहला नाम विराट कोहली का आएगा। विराट कोहली द रन मशीन, टीम इंडिया के लिए नाम से और काम से विराट ही है यह खिलाड़ी। हाल ही में वनडे में लगातार शतक लगाकर ये दिखा दिया कि अपनी पुरानी फॉर्म और लय को ये लेकर चल रहे हैं। विराट कोहली ने बहुत ही कमाल का प्रदर्शन किया है और अब वर्ल्ड कप 2023 के लिए भारत का सबसे बड़ा खिलाड़ी विराट कोहली द रन मशीन, रनों का अंबार लगाना होगा टीम इंडिया का। वर्ल्ड कप का सूखा खत्म करने का काम विराट कोहली बड़े बखूबी से करना चाहते हैं और ये करेंगे भी, हमें इन पर पूरा विश्वास है, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप 2022 में भी इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जो धागा खोला था वो वाकई में टीम इंडिया के विराट थे और आज भी विराट ही रहेंगे। खैर, इनके साथ में नाम श्रेयस अय्यर का भी आएगा। श्रेयस अय्यर ने पिछले कुछ समय से वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए वनडे फॉर्मेट में बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करी है। इनके रिकॉर्ड और आंकड़े तो इतने अच्छे बोलते हैं कि इनकी जगह प्लेइंग 11 में भी पुख्ता हो जाती है। श्रेयस अय्यर कमाल के बल्लेबाज हैं, जरूरत पड़ने पर विस्फोटक पारी खेलते हैं, धीमी पारी खेल सकते हैं, विकेट को बचाकर रखने की काबिलियत इस खिलाड़ी के पास में है। श्रेयस अय्यर बहुत ही कमाल के खिलाड़ी के तौर पर टीम इंडिया के स्क्वाड में अपनी जगह पक्की कर जाते हैं। श्रेयस अय्यर के साथ में नाम आएगा सूर्य कुमार यादव का भी मिडिल ऑर्डर के अंदर। सूर्य कुमार यादव बहुत ही कमाल के खिलाड़ी है, मैदान के हर कोने में रन बनाने की काबिलियत इस खिलाड़ी के पास में है, लेकिन हम आपको बता दें कि इनके नाम के अनुरूप प्रदर्शन नहीं हुआ है और खासतौर पर बात करेंगे ओडीआई फॉर्मेट के अंदर तो ये वैसा प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं। उम्मीद करते हैं कुछ जो मुकाबले बचे हैं वहां पर अच्छा खेलकर अपना नाम और पुख्ता कर ले, वरना टीम इंडिया के लिए इनका खतरा बन जाएगा।
कुल मिलाकर सूर्य कुमार यादव का नाम स्क्वाड में तो आपको देखने को मिलेगा, लेकिन प्लेइंग 11 में अभी भी संशय बना हुआ है। लेकिन बात करते हैं और मिडिल ऑर्डर की, तो नाम केएल राहुल का आ जाएगा। वैसे केएल राहुल नाम मिडिल ऑर्डर में अब आने लगा है, क्योंकि मिडिल ऑर्डर की फिनिशिंग की भूमिका इनको दे दी गई है। बतौर विकेट कीपर ये ओडीआई फॉर्मेट में अब पहली पसंद किए जा रहे हैं। बल्लेबाजी काफी अच्छी करते हैं, ओपनिंग में इतने अच्छे नहीं चले, जिसकी वजह से ओपनिंग में शुभमन गिल को मौका दिया और उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते ही इनका पत्ता वहां से कट गया। लेकिन अब केएल राहुल के ऊपर बहुत बड़ी दारमदारी मिडिल ऑर्डर में रहेगी। एक अच्छे खिलाड़ी है, टीम इंडिया के लिए एक अच्छी भूमिका अब ये निभाना जानते होंगे। लेकिन इनके साथ में एक और नाम संजू सैमसन का भी मिडिल ऑर्डर में आएगा। संजू सैमसन हालांकि पिछले कुछ समय से चोटिल होने की वजह से बाहर चले, लेकिन अच्छा प्रदर्शन किया जब भी ओडीआई में मौका मिला है। तो इसलिए कप्तान रोहित शर्मा संजू जैसे खिलाड़ी जो पलक झपकते ही मैच को बदल दे, उनको बाहर रहने का यहां पर रिस्क नहीं उठा सकते हैं। इसलिए हमारी नजर में संजू सैमसन मिडिल ऑर्डर में जगह बनाते हैं और लगभग तस्वीर साफ है। अब बात करते हैं ऑलराउंडर्स की। हार्दिक पांड्या टीम इंडिया के उपकप्तान, एक नया कप्तान भी कह सकते हैं। जरूरत पड़ने पर गेंदबाजी से जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और बल्लेबाजी करके टीम इंडिया को अच्छी फिनिशिंग भूमिका भी देते हैं। हार्दिक पांड्या जरूरत पड़ी तो कप्तानी भी करेंगे। हार्दिक पांड्या अब एक 3D प्लेयर के रूप में आगे आ रहे हैं, इसलिए इनकी जगह ऑलराउंडर में टीम इंडिया के स्क्वाड में पक्की है। इनके साथ में नाम रविंद्र जडेजा का भी आएगा। हाल ही में रविंद्र जडेजा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा बने और अब वर्ल्ड कप के लिहाज से भी ये फिट है और ओडीआई फॉर्मेट में चूंकि इनके आंकड़े इतने अच्छे हैं, इन्होंने टीम इंडिया के लिए इतना अच्छा योगदान दिया है, 3D प्लेयर ये भी है, तो उस लिहाज से भी रविंद्र जडेजा भारत के स्क्वाड में जगह बना जाते हैं। और उनके साथ में नाम अक्षर पटेल का ऑलराउंडर में आएगा। टीम इंडिया इन तीन ऑलराउंडर के साथ में जाएगी। अक्षर पटेल गेंदबाजी से क्या कर सकते हैं ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन जरूरत पड़ने पर बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अब स्पिनर्स की। तो युजवेंद्र चहल पहले पायदान पर नाम बना लेते हैं। यूजी चहल पिछले कुछ समय से भारत के शॉर्ट फॉर्मेट में बहुत अच्छे गेंदबाज रहे हैं और काफी अच्छी गेंदबाजी करी है। इनके साथ में नाम कुलदीप यादव का भी रहा है। काफी अच्छी गेंदबाजी कुलदीप यादव ने भी करी है और स्पिनर्स के लिए तो कुलदीप यादव जो है भारत की प्लेइंग 11 में भी जगह लगभग बनाते हुए नजर आ रहे हैं। ये दो स्पिनर्स टीम इंडिया के स्क्वाड में बनेंगे। अब बात करते हैं तेज गेंदबाजों के बारे में। तो सबसे पहला नाम जसप्रीत बुमराह का है। पिछले कुछ समय से खेले नहीं है, फिट नहीं है और इनकी फिटनेस पर भी संशय बना हुआ है। इसलिए वर्ल्ड कप 2023 को ध्यान में रखते हुए लगातार इन्हें आराम दिया जा रहा है। जसप्रीत बुमराह बहुत ही कमाल के खिलाड़ी है, बहुत ही कमाल का प्रदर्शन कर सकते हैं। वापसी से दिखाना होगा, वर्ल्ड कप से पहले खेल दिखाना होगा। इनके साथ में नाम मोहम्मद शमी का आ जाएगा। शमी एक ऐसे खिलाड़ी है जो काफी ज्यादा एक्सपीरियंस लेकर आते हैं। फ्लैट पिच पर बहुत अच्छी गेंदबाजी करना ये जानते हैं। विकेट टेकर गेंदबाज है, टीम इंडिया के लिए अच्छा योगदान ये खिलाड़ी दे सकता है। इसीलिए मोहम्मद शमी का नाम इस लिस्ट में है। और एक और नाम है मोहम्मद सिराज, तेज गेंदबाजी आक्रमण में, तो ये भी काफी अच्छी गेंदबाजी करते ही हैं। बहुत ही कमाल के खिलाड़ी है सिराज। ओडीआई में नंबर 1 गेंदबाज है, टीम इंडिया के लिए नंबर 1 है, वर्ल्ड में नंबर 1 अब फिलहाल इस वक्त बने हुए हैं। सिराज विकेट टेकिंग एबिलिटी के साथ में आते हैं। और एक और नाम आएगा, अगर जरूरत पड़ी तो उमरान मलिक को भी शामिल किया जाएगा। वरना 3 तेज गेंदबाज के साथ में 14 गेंदबाज जो होगा वो हार्दिक पांड्या है तेज गेंदबाजी में। लेकिन उमरान मलिक का नाम लगभग नहीं लग रहा है, लेकिन जरूरत पड़ी तो स्क्वाड में नाम लिया जा सकता है। तो हमारी नजर में ये रहेगी स्क्वाड वर्ल्ड कप 2023 के लिए, क्योंकि बीसीसीआई ने कहा 20 खिलाड़ियों की शॉर्टलिस्ट में उन खिलाड़ियों की तस्वीर साफ करी, तो फिर ये 15 खिलाड़ी यही है जो स्क्वाड में नजर आएंगे।